आजकल लोग कहते हैं कि भगवत गीता पढ़िए, पुराण पढ़िए, आप उन्हें पढ़ना ही चाहिए या अपने जीवन में भी उतारना चाहिए, आप क्या कहती हैं इन सब चीज़ों के ऊपर? देखिए, जीवन में उतारना बहुत ज़रूरी है, और हम जो काम कर रहे हैं, जो मैं और मेरे साथी हैं बाकी के, हम यही काम कर रहे हैं कि किसी तरह लोगों तक ये विचार पहुँचे। हम एक बीज बोने का काम कर रहे हैं विचारों के थ्रू अपने, कि हमारे विचारों के थ्रू लोगों तक वो चीज़ें पहुँचे। पर क्या है कि लोग रील स्क्रॉल करते हैं, देखेंगे बहुत अच्छा विचार है, उसे शेयर भी करेंगे, शेयर करके भूल जाएंगे, अपने अंदर उतारते नहीं हैं, तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। अब आप बात कर रही हैं कि वेद हुए, उपनिषद हुए, गीता हुई, पुराण हुई, ये सारी चीज़ें लोग पढ़ते हैं और उसको अपने जीवन में कितना उतारते हैं। मैंने ऐसे भी बहुत लोग देखे हैं जिनका जीवन पूरा परिवर्तित हो गया है। पर आज हम बात कर रहे हैं कि हमारे एजुकेशन सिस्टम में बहुत सारी ऐसी चीज़ें आ गई हैं कि बोलते हैं कि गीता पढ़ाई जाए, ये सारी चीज़ें बच्चे उनको एक सिलेबस के नज़रिए से देखते हैं, उनको अपने जीवन में नहीं उतारते। हम उपनिषद पढ़ते हैं, उपनिषद में एक मुंडक उपनिषद है जिसमें बात की गई है गुरु शिष्य परंपरा की, तो गुरु शिष्य परंपरा आज कहाँ रह गई है? कौन अपने गुरु के पास जाके बैठता है, उनसे ऐसा ज्ञान लेता है और उसको अपने जीवन में उतारता है? आजकल बस इतना रह गया कि क्लास गए, बैठे, उस चीज़ को रटा, पेपर दिया, छुट्टी। उस चीज़ को हम अपने जीवन में कितना उतार रहे हैं वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और जो सच में गुरु शिक्षा परंपरा को फॉलो कर रहा होगा, उसमें क्या, हम बहुत सारे हम देखते हैं कि हम हरिद्वार जाएंगे, हम हर की पौड़ी पे जाएं, हम ऋषिकेश जाएं, हम बहुत सारे साधुओं को देखेंगे जो किताब खोले बैठे रहते हैं, उनकी उम्र 80-90 ऐसी उम्र उनकी रहती है, वो किताब खोल के बैठे रहते हैं। उनके पास जाओ, आप उनसे बात करो, आपको सही ज्ञान मिलेगा, वो साधु होगा। वो सिर्फ उसी एक पर्टिकुलर पर्सन को, एक सही इंसान को ज्ञान देगा जिसको ज़रूरत होगी, और जितने ज्ञान की ज़रूरत होगी उससे ना ऊपर ना उससे नीचे। इस तरह की हमारी गुरु शिक्षा परंपरा होनी चाहिए। और मैं बच्चों से कहना चाहती हूँ कि वो जो चीज़ें पढ़ रहे हैं, वो जिस चीज़ का ज्ञान अर्जित कर रहे हैं, तो उसको अपना थोड़ा जीवन में उतारना भी बहुत ज़्यादा आवश्यक है।